जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह हीलियम 10 का एक टूल हम सीख चुके हुए हैं कि मैग्नेट को कैसे यूज़ करना है, उससे आगे निकलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं उससे। आज का जो हमारा मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू कैसे हंटिंग करते हैं, हाउ वी डू हंटिंग बाई यूजिंग ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 टूल। ठीक है, तो बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए हम इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड उसी तरह जिस तरह से कल हम लोगों ने किया था उसी तरह आप करेंगे। यहाँ से टूल्स के ऊपर चले जाएंगे, हीलियम 10 के अंदर आएंगे, हीलियम 10 को इस तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को कल बताया था उस तरह लॉग इन कर लेंगे, फिर इसी तरह टूल्स के ऊपर क्लिक करके ब्लैक बॉक्स वाले एरिया में आ जाएंगे, यानी कि ये वाले एरिया में। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च किसके थ्रू करनी है वो आ जाएगा, यहाँ से कीवर्ड रिसर्च का पता चल जाएगा, यहाँ से मार्केटिंग के जो टूल्स हैं अगर आपने अपनी अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग है उसकी मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए ये टूल्स यूज़ होते हैं, अगर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने हैं तो उसके लिए ये टूल्स यूज़ होते हैं, अगर लर्निंग करनी है आप लोगों ने सीखना है रिगार्डिंग हीलियम 10 या कोई अमेज़ॉन के बारे में सीखना है, एफबीए ट्रेनिंग, प्रो ट्रेनिंग अकेडमी इन लोगों की है हीलियम 10 की, उससे यहाँ से सीख सकते हैं। एनालिटिक्स आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए ये है। ठीक है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का एक नाम का जो है हीलियम 10 का टूल है उससे कर सकते हैं। कीवर्ड को ट्रैक कैसे करना है जब हम पीपीसी कैंपेन यूज़ करेंगे तो तब हम इसका पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रैंक ट्रैकिंग कैसे पता चलती है हमें हीलियम 10 के टूल के थ्रू, यहाँ से पता चलेगा। फिर ऑपरेशंस क्या क्या हैं यहाँ से पता चलता है, ये ऑपरेशंस उन लोगों से रिलेटेड हैं जो हीलियम 10 संभाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो मेन जाना है वो ये इसमें जाना है, फेवरेट वाले एरियाज़ में होगा या ब्लैक बॉक्स के सॉरी हीलियम 10 के ये प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो टूल है उसके अंदर पड़ा होगा ब्लैक बॉक्स के नाम से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको खुद से फेवरेट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लोग जो हैं जो हीलियम 10 को यूज़ कर रहे हैं उन लोगों ने अपनी फेवरेटिज्म की बेसिस के ऊपर कि भाई साहब ये वाला जो टूल है ना ये बेहतरीन इस्तेमाल के अंदर आता है, अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहें तो इसके अंदर हमें ब्लैक बॉक्स हेल्प करता है, सेरिब्रो हेल्प करता है, कीवर्ड ट्रैकर जो है यहाँ पे एनालिटिक्स में आप अगर देखें तो कीवर्ड ट्रैकर एक अच्छा टूल है वो हमें हेल्प करता है, मैग्नेट हमें अच्छा हेल्प करता है अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हुए। तो ये फेवरेटिज्म जो है ये जो फेवरेट्स के अंदर लिस्टिंग आती है ये उन लोगों की आती है जिस तरह से रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ आप लोग पढ़ते हैं ना अमेज़ॉन के ऊपर, इसी तरह से ये रेटिंग्स की बेसिस के ऊपर हीलियम 10 ने इनको फेवरेट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स, आज हम इसको यूज़ करना देखेंगे। आप लोग इस तरह ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाएगा आप लोग। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है इस चीज़ों को समझ लेना है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, या आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो अपने कंपेटिटर से रिलेटेड करनी है, या आपने नीश की जो है वो रिसर्च करनी है, या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग पीपीसी कैंपेन के अंदर यूज़ होता था, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अब चूँकि यहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, हम आज ये दोनों सीखेंगे कि अगर आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, और अगर कीवर्ड करना चाहते हैं कीवर्ड की रिसर्च तो उसके अंदर आप लोग कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फिर दो टैब आ जाते हैं, सिंपल में आप लोगों ने जाना है या एडवांस में जाना है। अगर एडवांस में जाएंगे तो मज़ीद आप लोगों के पास ये क्राइटेरियाज आ जाएंगे जिसको आप लोगों को फिल करना होगा। हम लोग सिंपल से कर लेते हैं पहले। यहाँ से सबसे पहले आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे, amazon.com है, अमेज़ॉन कैनेडा की है, ये मैक्सिको की है, ये जो है वो किस चीज़ की है, ये भी इस तरह से, ये इटली की होगी, ये फ्रांस की, ये यूके की। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप लोग अपनी रेलिवेंट मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ब्लैक बॉक्स के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट प्लस एनी कैटेगरी, यहाँ से आप लोगों को वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपने सारी की सारी सेलेक्ट नहीं करनी तो फिर आप रेलिवेंट सेलेक्ट करोगे और उसमें से कौन कौन सी की तरफ जाना है आपने गेटेड का ध्यान रखना है कि आपके पास गेटेड कैटेगरीज ना हो, उसके अलावा आप जिसमें भी जाना चाहें तो वो उसके अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग के अंदर जा सकते हैं, ऑटोमेटिव के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है, वहाँ पर आप लोगों के पास मशीनरी होती है जो कि गेटेड है। बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद हम बुक्स के अंदर चले जाएंगे, कैमरा एंड फ़ोटो के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, सेल्स का यूज़ होता है, लेकिन आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें कोई बात नहीं है। सीडीज़ एंड वेनाइल के अंदर चले जाएँ, फिर उसके बाद सेलफोन एक्सेसरीज़ के अंदर नहीं जाना, क्लॉथिंग के अंदर नहीं जाना। क्लॉथिंग के अंदर क्यों नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं ये इंशाल्लाह जब वेरिएशन का टॉपिक आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा,
कि वेरिएशंस क्या होती हैं और किस, अगर हीलियम 10 को हम यूज़ कर रहे हैं तो हाउ टू एडजस्ट द वेरिएशंस, के जिस वेरिएशन के साथ, जिस स्पेसिफिक वेरिएशन के साथ हम लोग जाना चाहते हैं उसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे हीलियम 10 के ऊपर, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वो चीज़ हम लोग जब वेरिएशंस के टॉपिक पे जाएंगे इसलिए उसको सीखेंगे। मैंने आज इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज यहाँ पर वेरिएशंस वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा टच देना बनता था यहाँ पर। तो क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी के अंदर आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। आप कलेक्टेबल कॉइन्स के अंदर जा सकते हैं, आप लोग इसको काट दें, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेसरीज़ के अंदर नहीं जाना, ग्रॉसरी गारमेंट एंड फूड के अंदर नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका शेल्फ टाइम यानी कि जिनकी लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है। ऑब्वियसली फूड की कैटेगरी के अंदर जब जाएंगे तो आपका वहाँ पे आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि फूड से रिलेटेड होंगी और फूड की जो एक्सपायरी डेट होती है वो कम होती है, इस वजह से आप इसके अंदर मिल जाएंगे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, हेल्थ एंड हाउस होल्ड को सिलेक्ट कर लें, होम एंड किचन को कर लें, किचन एंड डाइनिंग को कर लें। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिन, ताकि ये भी रिकमेंडेड है कि आप इसके अंदर भी ना जाएं। मूवीज़ एंड टीवी के अंदर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर जाना चाहें जा सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाह सकते हैं, पेट्रियो लॉन एंड गार्डन के अंदर जा सकते हैं, पेट सप्लाइज़ बहुत अच्छी कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हैं आप लोग, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, और उसके बाद टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर जा सकते हैं। अब आप लोगों ने ये देखिए, मैंने कैटेगरी तो सिलेक्ट कर ली, आप लोगों के पास कैटेगरीज आ गई। अब आप लोगों के अंदाज़ जहन में आ रहा होगा कि यार ये जो छोटा सा साथ में एरो बना हुआ है इसका क्या मकसद है, क्लिक करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें फ़र्दर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम पेट सप्लाइज़ के इस वाले एरो के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन सी की चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर पेट सप्लाइज़ के ऊपर क्लिक किया तो पेट सप्लाइज़ वो बता रहा है कि आपको बर्ड से रिलेटेड चाहिए, कैट से रिलेटेड चाहिए, डॉग से रिलेटेड चाहिए, फिश एंड एक्वाटिक पेट से रिलेटेड चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए आपको पेट सप्लाइज़ की प्रोडक्ट। आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को करना चाहते हैं कि भाई साहब मुझे पेट सप्लाइज़ में सिर्फ और सिर्फ डॉग्स की दिखा दीजिए, कैट्स की दिखा दीजिए, तो आपको वो दिखा देगा। फिर फर्दर आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर आपने डॉग्स के अंदर जाना है तो फिर डॉग्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप लोगों को फर्दर प्रोडक्ट्स डॉग्स की हीलियम 10 के अकॉर्डिंग पड़ी होंगी, आप लोगों को वो दिखा देगा कि डॉग्स के अंदर ये प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, आप उसके अंदर चले जाएंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर आपने पूरी की पूरी पेट सप्लाई सेलेक्ट कर दी तो इसके अंदर ये सारी की सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉग्स के अंदर फर्दर कुछ भी नहीं है, आप लोग इस तरह से ये चीज़ें इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या हो सके, आप लोगों को एक्यूरेट प्रोडक्ट्स मिल सकें, एक्यूरेट कीवर्ड्स मिल सकें जो कि आपके क्राइटेरिया के बिल्कुल अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। और उसके बाद दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट रेंज, ये नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाएं वेयर कंपटीशन, कंपटीशन की रेंज कितनी होनी चाहिए, आप लोगों का कंपटीशन कितना होना चाहिए मुझे बताइए। कंपटीशन जब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कीवर्ड हंटिंग पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट जब आप हंट करेंगे उसका जो है डिमांड कितनी होनी चाहिए और उसका कंपटीशन कितना होना चाहिए, कितना होना कंपटीशन, कितना होना चाहिए कंपटीशन, लो होना चाहिए, हाई डिमांड लो कंपटीशन, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर प्राइस रेंज, यहाँ पर लिख देंगे कि प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस रेंज में होनी चाहिए, जीरो टू, हमारी प्रोडक्ट का रेंज है कि वो 14.99 to $39.99 तक होनी चाहिए। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर एडवांस में जाके आप लोग फर्दर उसको स्पेसिफाई करेंगे कि उसका जो है वो इतना होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी। ये तो मैं आप लोगों को रेंज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, कि जो हमारा क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे 100 प्लस वाली चाहिए तो आप लोग ये सेलेक्ट कर लेंगे, 100 प्लस का नीचे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करके आप लोग जा सकते हैं उसके अंदर कि आप लोगों को 100 प्लस जिसकी रेंज होगी प्रोडक्ट की, आप लोग उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, उसके अंदर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला क्राइटेरिया कि उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए। हमारा जो रेवेन्यू का क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम जो हमारा रेवेन्यू है वो कितना होना चाहिए, $7,000। अगर अब आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि अब ब्लैक बॉक्स आपको वही वाली प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएगा जिसका जो रेवेन्यू है वो $1,000 से $10,000 के दरमियान है, इससे ज़्यादा वाला नहीं दिखाएगा आप लोगों को। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 7,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना मर्जी हो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, $10,000।
ये जब आपने सारे के सारे क्राइटेरिया अप्लाई कर दिए, अब आप लोग इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप लोगों के पास, आप लोगों को ब्लैक बॉक्स ये दिखाएगा। इंक्रीज योर लिमिट एंड अनलॉक मोर वैल्यू विद प्लैटिनम। चल इसको चेंज करके देख लें आप लोग, अगर इसके अंदर नहीं है, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ। सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। इसको हम यहाँ पर दोबारा लॉग इन कर लेते हैं और ब्लैक बॉक्स को दोबारा ओपन करके वहाँ से हम हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के पास टूल्स में आ जाइएगा, ब्लैक बॉक्स में चले जाएं। ब्लैक बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से आप लोग अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज दोबारा वही फिर हमें सारी की सारी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आर्ट क्वाइज अप्लाइंसेस में चले जाएं, बेबी प्रोडक्ट्स, बुक्स में, सीरीज एंड वेनाइल, सेलफोन एक्सेसरीज के अंदर नहीं जाना, कलेक्टेबल कॉइन्स के अंदर चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, ग्रेसी एंड गर्मेंट फूड के अंदर नहीं जाना, हॉर्मेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर चले जाएँ, इसके अंदर किचन एंड डाइनिंग हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेचियो, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाई, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। यानी कि आपने ये सारी की सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना। कंपटीशन हमें लो रखना है, प्राइस रेंज हमारी जो है 30 to 100 डॉलर, या आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब आप लोगों के पास वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ गई जो कि आपके क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं देख लेते हैं भाई साहब। पूरी रेंज हमारे पास 20 पेजेस पड़े हुए हैं। अब बताइए कितनी प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आ गए आप लोगों के पास। 500 आइटम्स। देखिए पहले पेज के ऊपर 25, 500 टोटल प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास आ गए। ठीक है, आपके पास टोटल 500 प्रोडक्ट्स आ गए। आप इसको क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसकी उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, उसको अमेज़ॉन पे जाके फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और सारे का सारा वो करेंगे आप लोग। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल क्राइटेरिया कि हम इसको प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं, और हमने यहाँ पर क्या किया था जो है वो सिंपल वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था। अब हम इसको करके देख लेते हैं कि भाई साहब हमारा जो है जो एडवांस क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो रिव्यू काउंट है वो 400 होना चाहिए। ऐसे ही है, 7 सेलर्स का जो रिव्यू काउंट है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, 400। शिपिंग साइज़ आप लोग यहाँ से जो है स्मॉल ही रखिए, क्योंकि इसको जो है बड़ा करने से हमारे पास क्या होता है, मीडियम कर लें, स्मॉल ओवर साइज कर लें। ठीक है, और उसके बाद बस इसको कर लें। वेट जो है वो हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3.3 LBs का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो के कितना बनता है हमारे पास किलोग्राम में, 1.5 किलोग्राम बनता है। यहाँ से आप अमेज़ॉन सेलेक्ट कर लेंगे और FBA सेलेक्ट कर लेंगे। अमेज़ॉन FBA एक ही चीज़ होती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेजेस का हमारे साथ कुछ भी नहीं है। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वेरिएशन आप लोग कहते हैं, 2 वेरिएशन के साथ हम जा सकते हैं, या मैं कर देता हूँ इसको 4 वेरिएशन के साथ जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर जब आप करेंगे विद नो वेरिएशन जाएंगे। ठीक है, लिस्टिंग की एज के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। कंपेटिटर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर है कि मैक्सिमम 2000 होने चाहिए। एग्जैक्ट ब्रांड रिसर्च हम कुछ भी नहीं करना चाहते, सेल रिसर्च भी नहीं, एक्सक्लूड भी नहीं करना चाहते ना कुछ। सेल्स हमारी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये डॉलर के अंदर बताया हुआ है। आपकी मैक्सिमम जो सेल्स, सॉरी मिनिमम जो सेल्स होनी चाहिए वो आप लोगों की $7000 होनी चाहिए। प्राइस चेंज के ऊपर आप लोगों ने कोई भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। मंथली रेवेन्यू जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था वो कितना, सॉरी प्राइस जो है वो आप लोगों की $39.99 है, और वो भी मैक्सिमम है, 14.99 मिनिमम, और जो उसका $39.99 होगा वो उसकी मैक्सिमम प्राइस होगी। मंथली रेवेन्यू आप लोगों का मिनिमम कितना होना चाहिए, आप लोगों ने 10,000 से किया था
जब आप एडिट फिल्टर्स के अंदर जाएंगे तो आप लोग मिनिमम $7,000 के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स चेंज को कुछ भी नहीं करना, मंथली सेल्स के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि मंथली सेल्स को अगर हम कर देंगे। ये क्राइटेरिया हम क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्राइटेरिया इसलिए छोड़ रहे हैं कि अगर इनको भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पीछे प्रोडक्ट्स बचेंगे नहीं ना, तो क्राइटेरिया ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया के अंदर उसमें से नई प्रोडक्ट्स, उसके से नई प्रोडक्ट्स, फिर ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट्स आपने ब्लैक बॉक्स में से निकाली होंगी ना और उसका आपका क्राइटेरिया 60% 70% मैच कर रहा होगा, आपने फिर वही चेन चला देनी है। मैग्नेट पे लाएंगे, उस कीवर्ड को टेस्ट करेंगे, वहाँ से उसके फर्दर कीवर्ड्स निकालेंगे, फिर उसमें से कोई ऐसा कीवर्ड निकालेंगे जो अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। यानी कि आप लोगों को एक कीवर्ड चाहिए बस, फिर मैग्नेट आप लोगों को ऐसे ऐसे कीवर्ड निकाल के देगा उससे रेलिवेंट, कि जो आपकी आपको जो कीवर्ड्स आपने ज़िंदगी में सुने ही नहीं होंगे ना, वो मैग्नेट आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंडा है, सबसे पहली जो परेशानी है वो यही है कि आप लोगों को कीवर्ड्स नहीं मिलते। वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि हम कहाँ कहाँ से वो कीवर्ड्स ले सकते हैं। जब एक दफ़ा क्राइटेरिया मिल गया, जब एक दफ़ा हमें कीवर्ड मिल गया, तो फिर समझें कि आप लोगों की टेंशन दूर। अब जो है आप लोगों का सारा का सारा काम कुदरत करेगी। ये नहीं है कि आप लोगों काम नहीं करेंगे, आप लोग काम करेंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा कीवर्ड निकाल लिया, बस उसके बाद आप लोगों की टेंशन ख़त्म। मैग्नेट आप लोगों के पास है, उसको दोबारा राउंड एंड राउंड उसको चलाते रहिए और उसमें से फर्दर जो उसके कीवर्ड्स हैं वो निकालते रहिए और उसको अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करते रहिए। अब हमने सारे के सारे क्राइटेरिया अप्लाई कर दिए, अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद अब देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स हमें कितने कीवर्ड्स या कितनी प्रोडक्ट्स दिखाता है जो हमारे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आते हैं। अभी भी देर आर 500 आइटम्स जो कि हमारे उस क्राइटेरिया को पूरा कर रही हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली एक एक कीवर्ड को उठाते जाना है और उसको अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करते जाना है, उसमें से आपके पास प्रोडक्ट्स आती रहेंगी। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जब ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट अमेज़ॉन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर जो लिंक होता है वो डायरेक्ट अमेज़ॉन का लिंक दिया होता है आप लोगों को। अब आपने यहाँ से एक मेन कीवर्ड देख लेना है, पूरी लिस्टिंग को पढ़ लेना है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िए, आप लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि फिनी डॉग फूड स्टोरेज कंटेनर। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको फूड कंटेनर भी कह सकते हैं, फूड स्टोरेज कंटेनर भी कह सकते हैं, इसमें से ये एक मेन कीवर्ड आप लोगों को लगा, या डॉग फूड कंटेनर भी कह सकते हैं आप लोग, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, एयर टाइट पैट ट्रीट राइस बिन, राइस बिन भी कह सकते हैं आप लोग इसको, विद मेजरिंग कप। ठीक है, बल्क ड्राई फूड स्टोरेज, ठीक है इसको फूड स्टोरेज, ये देखिए वही दोबारा कीवर्ड आ गया आप लोगों के पास फूड स्टोरेज के नाम से। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक कैट पपी फूड, ठीक है इसको आप लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक फूड बिन। ठीक है, प्लास्टिक यहाँ से उठा लिया आप लोगों ने और बाकी आपने यहाँ से उठा लिया प्लास्टिक फूड बिन के नाम से, विद लॉकिंग लिड एंड व्हील इजी टू मूव वाइड। यानी कि इसमें से आपको मेन कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आप लोगों को इसमें से मेन कीवर्ड मिलना शुरू हो जाता है। हम इसको बारी बारी टेस्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें पहले जो है वो करते हैं कि भाई साहब हमें फूड कंटेनर के नाम से देख लेते हैं इसका क्या सर्च वाली बात है। वापस स्टोरेज कंटेनर के नाम से हमने देख लिया भाई साहब इसका कीवर्ड क्या जो है वो हमारे पास अच्छा आ रहा है, ट्रेंड अच्छा आ रहा है। हमने क्या कर लिया, इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया और अमेज़ॉन के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से देखिए अब कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, 1,100,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, स्टोरेज कंटेनर लिखा है। अब स्टोरेज कंटेनर तो कई तरह से होते हैं। ठीक है, स्टोरेज कंटेनर डॉग का भी हो सकता है, वो कैट का भी हो सकता है, वो इंसानों के लिए भी स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिसके अंदर वो अपने घर के सामान रखते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, अब इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता था, इससे ये बताना चाहता था कि इस तरह के कीवर्ड से आपने बचना है। ये कीवर्ड कौन सा है, ये कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड है एक तो, दूसरा कमर्शियल कीवर्ड है, तीसरा ये कीवर्ड्स की टाइप के साथ मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, दूसरा कमर्शियल कीवर्ड है एंड तीसरा ऑर्गेनिक कीवर्ड है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के पेज के ऊपर लिख रहे हैं कि मुझे स्टोरेज कंटेनर दिखाइए, अमेज़ॉन भाई साहब हमें स्टोरेज कंटेनर दिखाइए। तो उसके पास जितने लोग स्टोरेज कंटेनर के नाम से सेलिंग कर रहे थे उसने सारे के सारे दिखा दिए। ठीक है,
ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने कौन सा कीवर्ड डाला। अब आप मजीद फिर इसके ऊपर चले जाइए कि भाई साहब हमारा इसके ऊपर गूगल ट्रेंड तो सही आया था, लेकिन इसका जो है सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इसका जो है हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा आया था। हमारा तो कंपटीशन था कि भाई साहब हमें सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, 2000 तक, लेकिन हम कितने पे चले गए, 100,000 पे। तो हम अपना कीवर्ड चेंज कर देते हैं, हम लिखते हैं राइस बिन के नाम से, ठीक है, राइस बिन के नाम से हम लोग लिख देते हैं और उसका चेक करते हैं कि हमारे पास कीवर्ड क्या आता है। इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लिया हम लोगों ने, भाई साहब इसका गूगल ट्रेंड हमारे पास सही नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर चले जाएंगे, अपना कीवर्ड को चेंज कर देंगे, फूड बिन के नाम से लिख देंगे, प्लास्टिक फूड बिन, प्लास्टिक फूड बिन के नाम से लिख देंगे। प्लास्टिक फूड बिन के नाम से आप लोगों ने लिख दिया और इसका गूगल ट्रेंड चेक करना शुरू कर दिया। इसका भी गूगल ट्रेंड सही नहीं है आप लोगों के पास। फिर उसके बाद आप लोग आते हैं विद लॉगिंग डेट, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें से जो है स्टोरेज कंटेनर वाला, चलिए हमें लगा कि इसमें एक ही कीवर्ड है हमारे पास, स्टोरेज कंटेनर, जो कि हमारे कीवर्ड जिसका गूगल ट्रेंड भी सही है और जिसका हमारे पास कंपटीशन भी सही है। आप लोग इसके ऊपर आ गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वही तरीकाकार, इसके ऊपर हीलियम 10 रन करेंगे और उसके ऊपर बाकी स्टैट्स पूरे करेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। अब आप लोगों ने इस तरीके के अंदर, इस मेथड के अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि भाई साहब हमें पूरी की पूरी लिस्टिंग पढ़नी पड़ती है, उसमें से हमें मेन कीवर्ड ढूंढना पड़ता है कि भाई साहब मेन कीवर्ड कौन सा है। क्या कोई ऐसा मेथड है ब्लैक बॉक्स के अंदर कि जिसके थ्रू हमें कीवर्ड्स ही मिल जाएं, सीधे सीधे कीवर्ड्स ही मिल जाएं, हम उनको सर्च करके उसका गूगल ट्रेंड, उसके अमेजोन के ऊपर कंपटीशन और बाकी सारी चीज़ें चेक करें और हमारी कीवर्ड जो हमारी प्रोडक्ट है वो हंट हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। अब हम चलते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर अपने दूसरे आइडिया के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसके साथ एक टैब होता है हमारे पास कीवर्ड्स का, वहाँ से जाके सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए, अब आपके पास पूरे का पूरा क्राइटेरिया आ गया। अब आपने क्या करना है, आपका सर्च वॉल्यूम कितना था मिनिमम, आपने यहाँ पर आपने जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसको यहाँ पर फिल करना चाहते करना शुरू कर देना। सर्च वॉल्यूम कितना पढ़ाया था आप लोगों को, 8,000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, $7,000। टॉप 10 में से 7 सेलर्स का मंथली रेवेन्यू कम से कम कितना होना चाहिए, $7,000। प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए, $14.99 मिनिमम है और $39.99 उसका, सॉरी $39.99 उसका जो प्राइस रेंज है वो ये है। रिव्यू काउंट मिनिमम कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए, हमने कहा कि मैक्सिमम जो है वो 400 तक रिव्यूज़ होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग को छोड़ दें आप लोगों का, इससे कोई लेना देनी नहीं। वर्ड काउंट को भी छोड़ दें, कैटेगरीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आपने कहा अप्लाइंसिस में चले गए, आर्ट्स एंड सेइंग में चले गए, बेबी में चले गए, बुक्स में चले गए, सीरीज़ में, उसके बाद आप लोग कलेक्टेबल कॉइन्स के अंदर चले गए, उसके बाद कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंदर, उसके बाद हैंडमेड, हेल्थी एंड हाउस होल्ड, मतलब इसके अंदर आप लोगों ने वो सेलेक्ट नहीं करनी जो कि गेटेड में चली जाती है अक्सर। लेकिन अगर आप लोगों को आपका क्लाइंट कह देता है, आपका इन्वेस्टर कह देता है कि मुझे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो फिर आप लोग ऑब्वियसली उसके लिए करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि आप कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड हंटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम तो कोई भी नहीं करना चाह रहे, हम तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को नहीं ढूंढना चाह रहे, हम तो बहुत सारे कीवर्ड्स को ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं ना, तो फिर वो स्पेसिफाई हो जाता है, आपका जो कीवर्ड हंटिंग का जो रिजल्ट्स होंगे जो आपको बाय बॉक्स निकाल के देगा वो और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग फिल नहीं करेंगे। शिपिंग साइज टेयर में आ जाइए, वही आप लोग सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज, लार्ज टेल, मतलब यहाँ से दो तीन चीज़ें ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बेस्ट सेल्स पीडीएस आप लोगों ने नहीं करना डिफाइन, फुलफिलमेंट में आ जाएंगे, FBA कर देंगे, अमेजोन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंपेटिटर का रेवेन्यू अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमने कंपेटिटर सिलेक्शन की नहीं है, तो हमें पता नहीं है। एज भी आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हम लोग कर सकते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 2000, ठीक हो गया। टाइटल की डेंसिटी मैंने आप लोगों को बताई थी कि टाइटल डेंसिटी क्या होती है जब हमने मैग्नेट पढ़ा था, तो इसका भी हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पर भी छोड़ दिया था, यहाँ पर भी हम लोग इसको छोड़ देंगे। ब्रॉड रीच पोटेंशियल, इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, छेड़ेंगे हम लोग। ब्रॉड रीच पोटेंशियल होता क्या है, ब्रॉड रीच पोटेंशियल ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप लोग अपनी रीच कीवर्ड की बढ़ाना चाहते हैं, इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं,
क्या अब आप लोग क्या करना चाहते हैं, दो कीवर्ड्स रखना चाहते हैं, मैक्सिमम दो कीवर्ड्स के साथ जाना चाहते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपने ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट की है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं कि मैं इतने कीवर्ड्स के साथ जाना चाहता हूँ, तो वो आपका क्राइटेरिया और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देगा, उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ कीवर्ड टू जनरेट न्यू कीवर्ड्स इन ब्रॉड मैच कैंपेन्स ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। ये हमें पीपीसी कैंपेन के अंदर ज़रूरत होती है, जब हम पीपीसी कैंपेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉड कीवर्ड्स के नाम से, एक कीवर्ड की टाइप होती है, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आप लोग कीवर्ड की टाइप शायद पढ़ाई हो, ब्रॉड रेंज कीवर्ड्स के नाम से, कि जिसमें एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, मतलब आप एक कीवर्ड को सर्च करते हैं और उसको ब्रॉड रेंज कर देते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आपको जितने कीवर्ड्स पड़े होते हैं, जिस तरह मैग्नेट आप लोगों को निकाल के देता है, इसी तरह से आप लोगों को ब्लैक बॉक्स भी निकाल के दे देगा। ठीक है, कंपेटिटर रिव्यूज़ के साथ हमने कुछ भी नहीं करना, कंपेटिटर रेटिंग्स के साथ भी हमने कुछ नहीं करना, यानी कि हमारा सारा के सारा क्राइटेरिया अप्लाई हो गया, सर्च वाले भी कर लिया, रेवेन्यू प्राइस रिव्यू काउंट हमने कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर ली, आपने शिपिंग साइट स्टेयर भी सिलेक्ट कर लिया, वेरिएशन काउंट हम लोगों ने कहा कि चले स्टार्ट है तो 3 कर लेते हैं, स्टार्ट में आप लोगों ने 0 के साथ जाना है, लेकिन मैं चलें इसको 2 वेरिएशंस के साथ कर देता हूँ कि भाई साहब आप लोग 2 वेरिएशंस के साथ चलें। उसके बाद मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये देखिए ये आप लोगों को कीवर्ड्स निकाल के देगा, कितने जो है कीवर्ड्स आप लोगों की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आए हैं, जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं कितने आए हैं, देर आर 49 फ्रेजेज फाउंड जो कि आपके इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। ठीक है, आप लोग फिर क्या करेंगे, इस अब आप लोगों की किसी भी प्रोडक्ट को खुद जाके उसका मेन कीवर्ड ढूंढने की बजाय आप लोगों के सामने कीवर्ड ही आ गया, आप लोग इसको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, उसको यहाँ पे लेके जाओगे, पेस्ट करोगे और उसका गूगल ट्रेंड चेक कर लोगे। ये देखिए आप लोगों के पास का गूगल ट्रेंड सही आ रहा है। इसी तरह फिर आप चले जाओगे अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन पे जाके आप लोग इसको वे बैटरी के नाम से कर दोगे। अब ये देखिए आपके पास कितना आ रहा है कंपटीशन, 3000 रिजल्ट्स। ठीक है, 3000 रिजल्ट्स के नाम से आ रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने तो वहाँ पर 2000 रिजल्ट्स किया था, अब यहाँ पर 3000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सर्च वाली और ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ गई, आपका रेवेन्यू भी आ गया, और ये होता है कि आप लोगों के पास यहाँ पर 3000 रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, हालांकि हमने ब्लैक बॉक्स के अंदर अपने कंपटीशन में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में तो 2000 लिखा था, तो यहाँ पर 3000 क्यों आ रहा है। ठीक है, ये होता है क्योंकि हमारे पास अमेज़ॉन की जो सर्च इंजन होता है, जो अमेज़ॉन का सर्च पीरियड है पैरामीटर है, इज़ समथिंग डिफरेंट, और जो हीलियम 10 का सर्च पैरामीटर है इज़ समथिंग डिफरेंट। हीलियम 10 के पास जितने भी, हीलियम 10 जो है वो एक थर्ड पार्टी टूल है। ठीक है, हीलियम 10 का एक्सरे या हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स या हीलियम 10 का मैग्नेट आप लोगों को कभी भी 100% रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, क्या रिजल्ट देगा आप लोगों को, उसके 70% जो है वो रिजल्ट सही होंगे, 80% सही होंगे, 90% सही होंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हीलियम 10 एक थर्ड पार्टी टूल है जिसको अमेज़ॉन जो है, ये जितने भी इसके पास कीवर्ड्स आए हैं, क्या ये कीवर्ड अमेज़ॉन ने इसको बताए कि भाई साहब मेरे पास ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं आप लोग इसको सर्च करें? नहीं, कभी भी नहीं। अमेज़ॉन के ऊपर से इन लोगों ने बाहर से किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कि भाई साहब अमेज़ॉन के ऊपर ये चीज़ भी सेल हो रही है, ये चीज़ भी सेल हो रही है, ये चीज़ भी सेल हो रही है, और जब ये इन लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर अपना टूल लॉन्च करना चाहा, थर्ड पार्टी टूल लॉन्च करना चाहा, तो पहले इन्होंने अमेज़ॉन से परमिशन ली इस बात की कि वी वांट टू लॉन्च अवर टूल ऑन योर सर्च इंजन, तो फिर अमेज़ॉन से परमिशन लेने के बाद इन्होंने लॉन्च किया। तो कभी भी जो रिजल्ट्स आपको ब्लैक बॉक्स से आएंगे, मैग्नेट से आएंगे, वो आपको 100% ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो इतना सख्त बताया है। क्यों? क्योंकि पहले ही आप लोगों को हीलियम 10 का जो एक्सरे है या जो मैग्नेट है या जो ब्लैक बॉक्स है या जितने भी टूल्स हैं वो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं बता रहे होते। अब जब आप इसको और फ्लेक्सिबल कर देंगे तो मुझे बताइए वो कैसे चलेगी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट, जो आप लोग प्रोडक्ट हंट करोगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि हमने यहाँ पर 2000 रिजल्ट्स लिखे थे तो वहाँ पर तो 3000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इससे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए आप लोगों का गूगल ट्रेंड सही आ रहा है, आप लोगों को एक तसल्ली होगी कि गूगल ट्रेंड सही है। दूसरी तसल्ली ये होगी कि हम इस इन बंदों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, कि इसमें से फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कौन सा हमारे पास? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मैग्नेट का।
अगर ये बंदा या ये कीवर्ड हमारा 60 to 70% क्राइटेरिया पूरा कर देता है, तो हम फाइनली किसके अंदर चले जाएंगे, मैग्नेट के अंदर चले जाएंगे, इस कीवर्ड को दोबारा वहाँ से निकालेंगे, दोबारा नई इसे नए कीवर्ड्स वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मकसद हो गया, उसका गूगल 10 चेक किया, उसको अमेजोन के ऊपर आके चेक किया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर हीलियम 10 रन, इस तरह से हम इसको हीलियम 10 रन करके इसके देख लेते हैं क्राइटेरियाज, बाकी भी पूरा कर लेते हैं इसके ऊपर कि क्या क्राइटेरिया आता है हमारे पास। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, अब इसके ऊपर करिए रन, हीलियम 10 रन हो गया। अब जो आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च फॉर वेब बैटरी के नाम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, हीलियम 10 का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप लोगों को दिखा देगा, यहाँ से आप लोग अपने क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कीवर्ड हंटिंग कीवर्ड है या आप लोगों को इसमें से मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब देखिए सर्च वाली में इसका पूरा है, इसके पास ये रेवेन्यू आ रहा है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये इसकी प्राइस है, ये उसके रिव्यूज़ हैं, और इसके बाद ये आप लोगों के पास सेशंस आ रहे हैं, ये ब्रांड आ रहा है आप लोगों के पास, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी सेल्स हैं। ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इस बात की कि इनके पास रिव्यूज़ आए नहीं है या इनके पास रेवेन्यू आया ही नहीं है, ये क्या है, ये थोड़ा वो टूल का ग्लिच होता है तो उस वजह से हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर इसमें ये है कि सेल्स आ नहीं रही या रेवेन्यू तो आ नहीं रहा, तो बेटा मुझे बताएं कि जब इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा या सेल्स नहीं आ रही, तो बग़ैर जो है वो स्पॉन्सर्ड एड चलाए, बग़ैर स्पॉन्सर्ड एड चलाए, ये इन लोगों से 316 से पहले नंबर पे कैसे आ गया, ये 316 से दूसरे नंबर पे कैसे आ गया, तीसरे नंबर पे कैसे आ गया, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कैसे आ गया, छठे नंबर वाला बंदा जो है उसकी क्या ज़्यादा सेल्स आ गई थी, जो उसकी सेल्स शो हो रही है और ऊपर वाले के शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये टूल का ग्लिच होता है, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर आप अपने बाकी क्राइटेरिया पूरा करने शुरू कर देंगे, आपके पास रेवेन्यू आ गया, आपके पास BSR कंसिस्टेंट आ रहा है, आपका सेलर कंट्री में अमेजोन नहीं आ रहा सबसे बड़ी बात, और फिर आप उसके बाद चले जाते हैं एक्टिव सेलर्स के अंदर, रेटिंग्स चेक कर लेते हैं, रेटिंग्स तकरीबन जो है वो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू काउंट पे आ जाते हैं, आप टॉप 10 सेलर्स में से देखें, इसके पास 16 रिव्यूज़ हैं, इसके पास 186 रिव्यूज़ हैं, 58 319, 70 364 159, ठीक है। तो इस तरह से रिव्यूज़ का भी आपका पूरा हो गया, और यहाँ पर आप लोगों ने उसका वेट भी देख लिया, जो कि वेट भी आप लोगों के अकॉर्डिंग, और फुलफिलमेंट में भी देखेंगे अमेज़ॉन हमारे पास नहीं है, तो यानी कि अगर इसके क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर देखें तो ये हमारा तकरीबन तकरीबन 60 to 70% क्राइटेरिया हमारा पूरा कर रहा है। अगर ये टूल का ग्लिच ना होता तो हमें और पता चल जाता। अब जब देखिए ये छठे नंबर वाला बंदा $7,000 का रेवेन्यू कमा रहा है, तो क्या इससे ऊपर जितने भी सेलर्स होंगे वो इससे कम रेवेन्यू कमा रहे होंगे, हर केस में ठीक है, वो इससे ज़्यादा ही रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, आप लोगों का एक ही काम कि आप लोगों ने मैग्नेट को पकड़ लेना है, मैग्नेट की जान नहीं छोड़नी आपने ज़िंदगी में। यहाँ से जाके आप लोग क्या करेंगे, मैग्नेट का टूल ओपन कर लेंगे, मैग्नेट के ऊपर फिर इस कीवर्ड को पुट कर देंगे, अपनी मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से नए नए कीवर्ड्स निकाल के हंटिंग करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग हंटिंग किस तरह करते हैं ब्लैक बॉक्स को यूज़ करके। इस तरह से आप ब्लैक बॉक्स की हंटिंग कर सकते हैं, इस तरह से ब्लैक बॉक्स के अंदर आप अपना क्या करेंगे, अपनी कैटेगरीज को सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो है रेलिवेंट क्राइटेरियाज को अप्लाई करने के बाद उसको सर्च के ऊपर क्लिक करके उसमें से फर्दर कीवर्ड्स निकालेंगे। अब आ जाते हैं कंपेटिटर्स के ऊपर, कंपेटिटर्स में भी उसी तरह है कि आप कंपेटिटर सिलेक्शन, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने क्राइटेरिया नहीं पुट करने, आपने अपने कंपेटिटर के पुट करने हैं कि आपके कंपेटिटर का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, आपके कंपेटिटर का वो कितना होना चाहिए, आपका कंपेटिटर का जो है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसका रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, उसका शिपिंग साइज रेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग अपने कंपेटिटर का पुट करेंगे, यहाँ पर आप लोग एसएन पुट करेंगे। एसएन कहाँ से मिलता है आप लोगों को, एसएन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये एसएन होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है आप लोगों का, और ये आप लोगों को गिवन होता है इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर, या जब आप लोग क्या करते हैं यहाँ से हीलियम 10 रन करते हैं, यहाँ से जब आप लोग हीलियम 10 रन करते हैं तो ये देखिए ये एसएन का एक टैब होता है जिसमें आप लोगों को एसएन दिए होते हैं। आपने सिंपली ये जो साथ में क्लिक किया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एसएन कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद वो वाला एसएन यहाँ पर कॉपी कर देंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर बाकी सारे के सारे क्राइटेरिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, हम लोग पुट कर लेते हैं कि जो हमारा मिनिमम
जो डॉलर का रेवेन्यू होना चाहिए वो 7,000 उसका होना चाहिए, या क्योंकि हम कंपेटर का करने चाह रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं कि 6,500 डॉलर के करीब रेवेन्यू होना चाहिए उसका, उसकी प्राइस रेंज जो है वो वही रखेंगे हम लोग, 14.992 39.99 डॉलर रखेंगे। उसका मैक्सिमम रिव्यू काउंट जो है वो 400 होना चाहिए, उसकी रिव्यू रेटिंग और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से आप लोग स्मॉल लार्ज ओवर साइज, स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज करने के बाद यहाँ के ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास उससे रिलेटेड मज़ीद कीवर्ड्स आना शुरू हो गए आपके कंपेटिटर के। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आप लोगों के सामने कीवर्ड्स आ गए, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस कीवर्ड के ऊपर इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लेना है, इसके बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अब आपको चाहिए क्या, मैंने आप लोगों को पहले दिन जब कीवर्ड सिखाया था तो मैंने यही सिखाया था कि बेटा आप लोगों को एक कीवर्ड चाहिए बस, फिर आप लोग हत्थे नहीं आएंगे किसी के भी। आप लोगों के पास हर किस्म का टूल है जिससे आप फर्दर उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं और उसकी बाकी सारी की सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका क्या करना है, इसमें से मेन कीवर्ड उठा लेना है, उसका गूगल ट्रेंड, उसका अमेज़ॉन के ऊपर चेक करना है, उसका क्राइटेरिया पूरा हो गया तो ठीक है, फिर वरना मैग्नेट तो है ही हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट।